दोस्तों मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 11 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल से सीख सकते हो। और दोस्तों आने वाला 14 तारीख को मंडे को हमारा नया बैच चालू हो रहा है, जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का बैच है, इंट्राडे में रहता है, वो एक महीना चलता है। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा ये बैच में आप आ सकते हो, हमको कॉल करके या व्हाट्सअप करके। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 11 अक्टूबर का मार्केट कैसे रहेगा। तो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो आपने देखा कि कल निफ्टी इतना बड़ा था, 186 पॉइंट अप था, और आज जो है कि निफ्टी है 78 पॉइंट डाउन है, सेंसेक्स जो है 297 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी है 772 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पे निफ्टी से बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और निफ्टी है जो 78 पॉइंट डाउन है। उसका भी रीज़न है कि निफ्टी में जैसा कि रिलायंस जैसा ये स्टॉक पॉजिटिव था, इसलिए भी निफ्टी ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, तो और बैंकिंग स्टॉक थोड़े ज़्यादा नेगेटिव थे। हम लोग देखेंगे कि लेवल के ऊपर कि मार्केट मिस मूवमेंट क्या लग रहा है। तो जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट ने ये जो लेवल था नीचे वाला जो डाउन साइड जाने वाला था, वहाँ से मार्केट ने होल्ड किया और डाउन साइड तो सेव कर लिया है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा ये हम लोग कभी कंफर्म करने वाले थे। जैसा कि कल का जो हाई था 11,322, अगर उसके ऊपर आज का जो मार्केट है क्लोज होता तो हमको पॉजिटिविटी लग रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर नहीं जाते हुए जैसे कि नीचे आ गए, नीचे क्लोज हुआ। लेकिन अब प्रॉपरली देखो तो जो कल का जो कैंडल था उसे नीचे यानी कि 50% से कल का जो हाई और लो था उसका 50% से नीचे क्लोज नहीं हुआ आज का कैंडल, यानी निफ्टी भी अभी तक भी थोड़ा सा स्ट्रांगनेस बचा हुआ है। जब भी निगेटिविटी कभी आएगा, जैसे कि कल का जो लो था ऑलमोस्ट ये अपना एक लेवल के इधर भी आ रहा है, वो है 11,077, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो निगेटिविटी आ जाएगा। लेकिन अगर फिर से 11,321 के ऊपर मार्केट जाता है तो ये पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि आज का जो कैंडल आया है इसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं कि जो कल का कैंडल था उसके अंदर ये कैंडल आया है, तो अगर इसका हाई और लो ब्रेक होता है तभी एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज ये जो कल का कैंडल था उसके अंदर ही कुछ दिन एक मार्केट जो है कि साइडवेज होता रहेगा और ये इस पर घूमता रहेगा। जब भी आइदर साइड ब्रेकआउट होगा वो तरफ मार्केट जाएगा। कल के लिए हमको क्या लेवल हो सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आज का जो मूवमेंट था तो इतना बड़ा भी मूवमेंट नहीं था कल से आप कंपेयर करेंगे, तो हमको अगर बाइंग के लिए देखना है तो ये नज़दीक वाला ही लेवल 11,248 के ऊपर अगर ज़्यादा तो आप बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए नज़दीक वाला अगर लेवल रहेगा निफ्टी शॉर्ट करना है तो 11,208 के नीचे शॉर्ट हो सकता है, उसके नीचे 11,180 अपना एक लेवल आता है और उसके नीचे 11,145 वो नीचे वाले लेवल आ सकते हैं। तो जब तक एक बड़ा ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर या नीचे नहीं होता है आपको एक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मैं मार्केट को थोड़ा एक जो निफ्टी के ऊपर से मुझे थोड़ा साइडवेज लग रहा है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो देखिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिव है। जैसा मैंने आपको रीज़न बताया था कि निफ्टी में जो रिलायंस का वेटेज है इसलिए निफ्टी को थोड़ा सेव किया, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा ड्रैग हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी का भी जो कैंडल बना है वो इनसाइडर कैंडल बना है, जो पहले कल का कैंडल है उसके अंदर ही बना है भले नेगेटिव हो। तो जब तक बैंक निफ्टी कल का जो कैंडल था उसके अप साइड में ब्रेक नहीं करता है और या तो फिर लो साइड ब्रेक नहीं करता है तो एक बड़ा मूव नहीं दिखाएगा या फिर डिसीजिव मूव नहीं दिखाएगा। ऊपर ब्रेक करता है तो पॉजिटिव में जाएगा, नीचे करता है तो नेगेटिव जा सकता है। यहाँ पे अभी जो कैंडल क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, वहाँ से आप देखेंगे तो कल के लिए आपको अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है 27,778 के नीचे इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए जो है कि 28,124 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। तो जब तक कल का कैंडल के अंदर है ये साइडवेज हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टॉक के बारे में, तो हम लोग देखेंगे रिलायंस। तो मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि रिलायंस का जो चार्ट पैटर्न बना है ये मुझे ऊपर ब्रेक होने को ऐसा लग रहा है। तो देखिए जब हम लोग
एक आधा स्टॉक है या फिर इंडेक्स है उसका ज्यादा स्टडी करते हैं तो मोस्टली आपको एक पता चलता है कि वो कौन से तरफ मूवमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे रिलायंस का कल ही मैंने आपको बताया था कि ऊपर तरफ ब्रेक होगा और जो है कि 1338 के ऊपर जाता है तो इसमें बाय करना है। मैं आपको क्लियरली बताया था 1362 एक क्लोज हुआ है तो ये अपना ये जो कॉल था बहुत ही अच्छा ये हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे रिलायंस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, अगर कल भी जो है कि आज का हाई है 1368 के ऊपर अगर जाता है रिलायंस तो उसका टारगेट आएगा 1395। अभी इसके ऊपर जाता है तभी आपको थोड़ा सा बच के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर रिलायंस का मैं आपको चार्ट बताता हूँ तो ये जो लेवल है 1395 और 1418 ये जो रिलायंस का बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है। तो ये लेवल पे आने के बाद एक बार अगर आपके पास डिलीवरी रहेगा तो बुक करना ठीक रहेगा। जब भी ये रिलायंस 1418 के ऊपर ट्रेड करके सस्टेन करना चालू करेगा उसके आगे वाले लेवल आएंगे। तो ये जो रहेगा ये थोड़ा सा रेड जोन रहेगा, यहाँ पे आपको केयरफुली करना है। लेकिन आज का हाई के ऊपर अगर ट्रेड करते हो तो 1395 के आसपास ये आएगा, क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो 1368 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 1400 का रेट आने का इस पर चांस बहुत ब्राइट लग रहा है। वैसे भी रिजल्ट सेशन चल रहा है तो हर एक स्टॉक का आप चेक कर लेना कौन सा रिजल्ट कभी है तो वो स्टॉक में पर्टिकुलर थोड़ा सा अवॉइड कर लेना जिस दिन उसका रिजल्ट चल रहा है। कल के लिए हमने कल कुछ हमने स्टॉक देखे थे तो मैंने आपको स्टॉक देखने के बाद बताया था कि अगर मार्केट पॉजिटिव हो तो ही ये ट्रेड ले लो, क्योंकि जितने भी मैंने स्टॉक बताए थे आपको बाइंग के बताए थे। तो फॉर एग्जाम्पल SBI जैसे अल्ट्रा कैम तो ये सब बाइंग के थे तो ये आज नहीं चलना था नहीं चले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप बाइंग का ट्रेड लेते हो अभी जैसे अल्ट्रा कैम में ये मॉर्निंग में इसके ऊपर हुआ, लेकिन मैं जैसे बताता हूँ कि मॉर्निंग के तीन अगर आपको कैंडल देखने 15 मिनट अगर सस्टेन होता है उसके बाद ही ट्रेड लेना है तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बनता था। तो नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे टॉपलस हुआ तो सवाल ही नहीं होता है टॉपलस का, आपको पहले 15 मिनट आपको वेट करके देखना है कोई भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हो। ओके, तो बाकी के जो सभी जो मैंने दिए थे वो जो थे कि बाइंग के लेवल आए नहीं। लेकिन हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे तो देखिए कि मार्केट कैसा भी हो सकता है, आपको लेवल आए तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं हीरो मोटो को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हीरो मोटो कॉर्प जो है कि यहाँ से डाउन जाने के बाद यहाँ पे एक बड़ा कल नेगेटिव था और आज उसने एक डोजी कैंडल बनाया। तो अभी ऐसा जो मार्केट है उसके लिए हमको दोनों साइड का भी ट्रेड चलेगा, जैसे कि अगर ये डोजी कैंडल बनता है तो ये आइदर साइड भी ब्रेकआउट करेगा। अगर ये लेवल ये जो लेवल है नीचे वाला 2580 ये ब्रेक करता है तो आपको एक शॉर्ट का कॉल मिल जाएगा, शॉर्ट का कॉल इसमें आता है तो बहुत अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन अगर ये डोजी के बाद अगर ये ऊपर वाला लेवल 2636 अगर ब्रेक करता है तो फिर से आपको एक बाइंग का इसमें एक चांस मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा कल रिकवरी दिखाए। नेक्स्ट जो है कि अडानी पोर्ट, तो ये अडानी पोर्ट का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अडानी पोर्ट चार्ट में पहले ये जो लेवल था यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, फिर से ये ऊपर ब्रेक हो गया और ये लेवल पे अभी ये जो है कि अडानी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी कोई जो कैंडल बना आज का इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है 40280 यानी 403 समझो तो यहाँ पे एक बाइंग आ सकता है, तो आप इंट्राडे के लिए इसमें एक छोटा ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है हम लोग देखेंगे इंडस बैंक का, तो देखिए कि बैंक निफ्टी भी ज़्यादा नेगेटिव है और बैंकिंग स्टॉक भी थोड़े डाउन हो गए। तो यहाँ पे जो इंडस बैंक ने यहाँ पे एक जो हम लोग बेरिश एंगलफिन बोलते हैं वो कैंडल बनाया, तो यहाँ पे कल अगर आज का लो 1220 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड के लिए आप इंडस बैंक जो है देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मैं बायोकॉन का आपको बताता हूँ। नॉर्मली मैं जो स्टॉक है निफ्टी के बताता हूँ, तो यहाँ पे निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक में कुछ भी ट्रेड ऐसा प्रॉपर क्लियर ट्रेड नहीं मिलता है, इसलिए मैं थोड़े निफ्टी के बाहर के भी कोई स्टॉक कवर कर रहा हूँ। तो उसमें बायोकॉन है, तो बायोकॉन कवर करने का मेरा यही मतलब रहता है, कोई मुझे टेक्निकल जब कुछ ये दिखता है हलचल दिखता है तो मैं उस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो डबल बॉटम बन रहा था बायोकॉन में उसका उसने ब्रेकआउट किया है, तो एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर आज का जो हाई था उसके ऊपर कल ट्रेड होता है तो भी आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। 243 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो इसमें आप इंट्राडे के लिए बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, इसमें नया फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जुबिलेंट फूड का है, यहाँ पे देखो कि जुबिलेंट फूड का मैंने कुछ टेक्निकल ये किया था, तो यहाँ से मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे उसने 61% जो है
रिट्रेसमेंट के यहाँ पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद एक लेने के बाद आज एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। तो यहाँ पे इवन डिलीवरी में भी कभी कोई बाय करता है तो एक बड़ा टॉप लॉस 1250 का टॉप लॉस लगा सकते हो। कल इंट्राडे में भी आज का जो पॉजिटिव कैंडल बनाए और बुलिश इंगलफिन बनाए तो कल इंट्राडे में भी 1329 1330 आप ये कर लो, कंसिडर कर लो 1330 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है इंट्राडे के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हो। 1357 का पहला टारगेट आएगा और उसके ऊपर के भी टारगेट आ सकते हो। मैंने जो ये लेवल दिया आपको ये टेक्निकल लेवल से प्योरली मेरे नॉलेज बेस के ऊपर है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा ही ट्रेड वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको ये स्टॉक में ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में तो आप यहाँ पे थाना मुंबई में आके सीख सकते हो। वैसे भी हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 14 तारीख से मंडे से, उसमें भी आपको इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें भी आ सकते हो। और हमारे संडे के बैचेस भी होते हैं तो उसके भी इंक्वायरी करने तो हम आप हमको कॉल कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ये वीडियो तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।